रेलवे प्रबंधन की मनमानी के चलते सतना जिले के नागौद में सैकड़ों किसान मुआवजा राशि की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। बता दें कि किसानों को रेलवे प्रबंधन के द्वारा दिए गए वादे पर काम नहीं करने के कारण किसान अनशन पर बैठे हुए हैं। बता दें कि रेलवे प्रबंधन के द्वारा नागौद में रेलवे स्टेशन व अन्य काम किए जा रहे हैं, जिसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा था, लेकिन किसानों को मुआवजा राशि नहीं दी गई है, जिसके चलते किसानों ने काम रोक दिया है। इस पूरे मामले में किसानों का आरोप है कि रेलवे प्रबंधन के गुर्गे और ठेकेदार की मनमानी के चलते हमें मुआवजा नहीं मिल रहा है और इस पूरे मामले में पुलिस थाना की धमकी भी दी जा रही है। और रेलवे प्रबंधन के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जिसकी जमीन में रेलवे काम करेगा उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन इन तमाम आश्वासन और वादों से रेलवे किसानों को नजरअंदाज करता नजर आ रहा है और मनमानी तरीकों से काम करता दिखाई दे रहा है। लेकिन किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि हमें मुआवजा राशि नहीं दी गई तो हम काम करने नहीं देंगे। तो उस समय रेल प्रबंधन ने जिस तरह से किसानों को शर्त रखी थी कि हम मुआवजा भी देंगे और प्रति किसान को एक घर से एक आदमी को नौकरी देंगे, मुआवजा तो मिल गया है लेकिन नौकरी नहीं मिली है। जबकि कहा नहीं था, बल्कि उनकी गाइडलाइन में इस चीज़ का है कि मुआवजा भी देंगे और नौकरी भी देंगे। नौकरी नहीं मिली, इसलिए किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं अपने मांगों को लेकर के, और रेल प्रशासन के द्वारा इन किसानों को जबरदस्ती धमकी दी जा रही है। इनके ऊपर जो पुलिस के द्वारा धमकी दी जा रही है, FIR करवाई जा रही है। मैं रेल प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से किसानों के ऊपर जबरदस्ती आरोप लगाने का काम किया जा रहा है, ये ठीक नहीं। किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अगर इसी तरह से रेल प्रशासन इनके साथ दुर्व्यवहार करता रहेगा, आधे आदमियों को नौकरी दे दी, कुछ लोगों को नौकरी दे दिया, कुछ लोग अभी खाली पड़े हुए हैं। हम लोग भूखे प्यासे, यहाँ पंडाल भी हमारा फट चुका है, आंधी तूफान से 4 बार हमारा पंडाल उड़ चुका है, फिर भी हम लोग यहाँ भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। काफ़ी किसान जनसंख्या, लेकिन जब भी शासन बात करने आता है हम लोग इकट्ठा होते हैं, प्रशासन हमसे बात करने से पहले ही घूम जाता, सिंहपुर चौराहे से ही लौट जाता, हमसे बात करना ही नहीं चाहता। वो चुपचाप चोरी चोरी अपना काम करवा रहा, निर्माण कर करवा रहा है, हमको से मिलने को तैयार ही नहीं। हमने उनके पास DRM साहब से मीटिंग करने की कोशिश की, GM साहब से मीटिंग की, DCO साहब के पास भी आवेदन दिया। हमारी माननीय विधायक कल्पना वर्मा जी ने भी लिखित में आदेश दिया कि मेरी विधानसभा में निर्माण कार्य नहीं करवाया जाए जब तक आपकी समस्या का निदान नहीं किया जाए।